दोस्तों, नहीं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस एरिया से 65 बिलियन न्यूट्रिनोज पार्टिकल हैं जो पार हो जाते हैं पर सेकेंड। 65 बिलियन न्यूट्रिनोज दोस्तों पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें इन्फ्लक्स होते हैं, जो सूरज से आ रहे हैं। न्यूट्रिनो दोस्तों एक ऐसा पार्टिकल है जिसको अगर मैं इधर से छोड़ूं तो वो धरती को पार करके बाहर निकल जाएगा दूसरी साइड से। फिर से बता दूं, न्यूट्रिनो दोस्तों वो पार्टिकल है जिसको इधर से छोड़ूं तो वो धरती के पार निकल जाएगा बिना इंटरैक्ट किए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रिनो के लिए माना जाता था कि पहले उसमें मास नहीं है, फिर ये पता चला कि उसमें थोड़ा बहुत मास है, बहुत कम है लेकिन मास है। समझ में ये नहीं आया दोस्तों कि मास है या मास नहीं है, ये बताएगा कौन? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज का जो वीडियो है इज द स्पेस रियली एम्प्टी पार्ट टू। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फील्ड की जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो जो फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है मास देता है, नाम है हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड जो है वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है तो वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को हिग्स बोजोन की फॉर्म में, यानी एक पार्टिकल की फॉर्म में। दोस्तों हर फील्ड का एक पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि हर फील्ड का एक ड्यूअल नेचर के हिसाब से वेव भी है तो पार्टिकल भी है। लेकिन सवाल यह आता है कि यह पता कैसे चला? सबसे बड़ी बात यह है कि यह चीज अभी प्रपोज हुई थी दोस्तों 1960 में, और 2012 में कंफर्म हुई लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में, सर्न के रिसर्च लैब में। ये सवाल पहले क्यों नहीं अपने जहन में आया? कहानी को अपन शुरू करें दोस्तों तो अपने को थोड़ा पीछे से चलना पड़ेगा। दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल साहब ने रेडियो एक्टिविटी दिया अपने को, उनने बताया रेडियो एक्टिविटी का एक फिनोमेना होता है। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया तो उनने देखा कि भाई एक बीटा डीके होता है जो अपन जेई के बच्चे, नीट के बच्चे, 11वीं 12वीं के साइंस के बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर चैप्टर में, और सब याद कर लेते हो तुम। लेकिन तुमने कभी ये अप्रिशिएट नहीं करा होगा कि वो जो एक छोटा सा बीटा माइनस डीके का जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रोसेस है, उसने इतनी बड़ी चीज को जन्म दिया कि आज वहां से जो शुरू हुई थी एक कहानी, उस कहानी को एक्सप्लेन करते करते इस चीज पे आ गई एक्सप्लेनेशन कि मास आता कहां से है। और बात यहां तक आ गई कि जो यूनिवर्स है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो हिग्स फील्ड वहां होगा। क्यों होगा दोस्तों? कहानी ये है कि जब बीटा माइनस डीके हुआ तो वहां पे ये देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन टाइप का पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, सबने एनालाइज कर लिया। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जब उस रिसर्च फील्ड में घुसे, उस प्रोसेस को पढ़ने लगे, तो उनने बोला कि भाई कुछ और भी निकलना चाहिए, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब सवाल यह है भाई, इंफॉर्मेशन मिसिंग है बात तो सही है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही, वो महसूस क्यों नहीं हो रही, वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही? तो प्रपोज किया गया कि हो सकता है कोई ऐसा एक पार्टिकल हो जो एनर्जी मोमेंटम लेके जा तो रहा है, लेकिन ऐसा है अदृश्य, अनदेखा, अनजाना, कि किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करता। उसको उस वक्त नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। लेकिन न्यूट्रॉन जो है, चैडविक नाम के एक इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन जिसका मास थोड़ा ज्यादा है और वो भिड़ जाता है चीजों से जाके, और उसको भी नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। यानी मेरे पास अब दो पार्टिकल हैं, एक थोड़ा भारी है वो न्यूट्रॉन है, एक थोड़ा हल्का है जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता वो भी न्यूट्रॉन है। अब इस बीच बचाव में एक इंसान आता है जिसका नाम है अर्निको फर्मी। अर्निको फर्मी साहब ने बोला कि भाई ऐसे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भाई जो छोटे छोटे बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे तो कंफ्यूज ही आ जाएंगे भाई। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनने बोला भाई जो न्यूट्रॉन बड़े वाला है उसको न्यूट्रॉन रहने दो, और जो छोटे वाला पार्टिकल उसको कह देते हैं न्यूट्रिनो। अब जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये एक्सपेक्टेड था भाई न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है तो कुछ डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू मिलेगी। समझने के लिए, अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं उस बॉल को फेंकूंगा तो उस बॉल की कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो मेरे को मिलनी चाहिए, अगर वो बॉल जाके दीवार के टकराएगी तो मेरे को कुछ एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की गई थोड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, इट वॉज फाउंड कि एनर्जी जो है वो फैली हुई है। कंफ्यूजन हो गया कि भाई पार्टिकल है कि वेव है, ये है क्या चीज। अब वहां पे दोस्तों उस चीज को जब और डिटेल में पढ़ना चालू किया तो आया स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स का। फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल दोस्तों कुछ बेसिक बातें बताता है, जैसे कि जो स्नोफ्लेक है, जब बर्फ गिरती है तो वो जो स्नोफ्लेक है उसको बांधने वाले कौन से फोर्सेज हैं। स्टैंडर्ड मॉडल बताता है दोस्तों कि जो अपना सूरज है, जो चमक रहा है, जो अपने को जिंदगी दे रहा है,
उसके अंदर क्या चल रहा है। यानी एक तरीके से इस यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सारी चीजें स्टैंडर्ड मॉडल बता देगा। वो ये बता देगा कि कितने अलग अलग तरीके के पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में एक प्रॉब्लम महसूस हुई, स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी के बारे में बात नहीं कर पा रहा था, और स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से जो पार्टिकल होने चाहिए थे, जो ये सारे फोर्सेस हैं नेचर के इनके, उनका जो मास है वो जीरो होना चाहिए था। अब ये जो सारी सिमिट्री एक क्रिएट हुई दोस्तों, वो ये कहती है कि फिजिक्स के जो नियम हैं वो अगर यहां सही हैं तो वो सैटर्न पे भी सही होंगे, वो सैटर्न पे सही है तो वो सोलर सिस्टम के बाहर भी सही होंगे। आप चाहे एंड्रोमेडा में चले जाओ, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, फिजिक्स के रूल सेम रहेंगे। अब उसी फिजिक्स का रूल कहता है भाई इलेक्ट्रॉन के पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास मास है, तभी तो अपना पूरा ढांचा बना हुआ है। तो सवाल यहां आ जाता है कि ये मास देने वाला कौन है। दोस्तों ये तो बात हुई अपन जब गए रेडियो एक्टिविटी तक, यानी अपन निकट इतिहास में अपने को पता चला कि क्या हुआ था। लेकिन अगर इसको और बारीकी से समझना है तो मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा जब हुआ था बिग बैंग। बिग बैंग जब हुआ दोस्तों, तो वहां पे जितने भी पार्टिकल बने, जो कुछ भी बना, सब इन जो भी पार्टिकल थे सारे के सारे मस्त एकदम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। अब वो सब स्पीड ऑफ लाइट से इसलिए ट्रेवल कर रहे थे क्योंकि अगर आपके पास मास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अगर अस्तित्व में रहना है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर सारे के सारे पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो इंटरेक्शन कैसे होगा। भाई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे अगर सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे तो। तो अगर सारे पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से जिप जैप जिप जैप भाग रहे हैं तो फिर तो ये जो लाइफ है, ये जो प्लेनेट का बनना, ये सूरज का बनना, ये सोलर सिस्टम, ये लाइफ का एग्जिस्टेंस, हवा पानी, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। यानी जैसे जैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ठंडा पड़ने लगा, ये पार्टिकल जो थे ये धीरे होने लगे। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आप मासलेस हैं, अगर आपके पास मास नहीं है तो आप ठंडे भी पड़ोगे तो भी धीरे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आप उससे धीरे पड़े तो आपके पास मास होना चाहिए। यानी वो पार्टिकल जिनके पास पहले मास नहीं था उनके पास मास आने लगा। यानी ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है, कुछ नई चीज आ रही है जो कि उस चीज को जो पहले मासलेस थी उसको मास दे रही है। दोस्तों यहां एक बात मैं बता दूं कि कंफ्यूज मत हो जाना, वेटलेसनेस एंड मासलेसनेस आर टोटली डिफरेंट। एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वेटलेसनेस फील करता है, मासलेसनेस फील नहीं करता है। मासलेसनेस फील करने के लिए आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आप वो जो एक पर्टिकुलर अदृश्य सा एक फील्ड है जिसको हिग्स फील्ड कहते हैं, आप उससे इंटरेक्ट न करें। अब इसको कैसे समझा जाए। सो दोस्तों ये मान लो कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो स्पेस है, वो एक गुड़ के जैसे थिक पदार्थ से, जो कि दिखता नहीं है, जिसका टेस्ट नहीं है, जो आवाज नहीं करता, जिसमें कोई सुगंध और दुर्गंध यानी कोई स्मेल नहीं है, अगर उससे भरा पड़ा है और उसके अंदर जब पार्टिकल मूव करते हैं तो कुछ पार्टिकल तो उसमें ज्यादा चिपक जाते हैं और कुछ पार्टिकल उसमें कम चिपकते हैं। मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की और चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपन इसको समझना चाह रहे हैं। तो जो पार्टिकल उस अदृश्य से मोलेस में, कॉस्मिक मोलेस कहते हैं जिसको, उसमें जितना ज्यादा अटकता है वो उतना ही मास गेन कर लेता है। यानी उसको फील आता है कि भाई मेरे लिए चलना मुश्किल है, मेरे पे एक ड्रैग लग रहा है, यानी मैं थोड़ा भारी हूं। और जैसा जैसा ये इंटरेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे अलग अलग पार्टिकल्स को मास की एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब फोटोन को जब देखा गया दोस्तों, तो फोटोन मासलेस है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड मॉडल पे। स्टैंडर्ड मॉडल ने बोला कि जो नेचर के फोर्सेस हैं जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो नियम ये कहता है कि ये जो जितने भी फोर्सेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनके जो पार्टिकल हैं जो इन फोर्सेस को कैरी करते हैं, हां दोस्तों पार्टिकल फोर्सेस को कैरी करते हैं, वो जो पार्टिकल हैं वो मासलेस होने चाहिए। जब ऑब्जर्व किया गया स्टैंडर्ड मॉडल में तो फोटोन तो मासलेस मिला, लेकिन बाकी जो न्यूक्लियर फोर्स और दूसरे फोर्सेस को कैरी करने वाले पार्टिकल थे वो मासलेस नहीं थे। यानी या तो यहां पे फिजिक्स फेल हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें जो अपने को नहीं पता। और पिक्चर में आते हैं दोस्तों मिस्टर हिग्स। 1960 में उन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी पेपर लिखा जिसमें उन्होंने उस अदृश्य एक छुपे हुए फैक्ट को निकाला कि देयर हैज टू बी समथिंग, कोई एक ऐसी चीज है जो इस पूरे मॉडल में मिसिंग है, जो कि ये बता देगी
कि भाई ये जो सारे फोर्सेस हैं ये एक जैसे हैं, क्योंकि सिमेट्री फिजिक्स की टूट नहीं सकती, वो यहां जैसी है वैसी वो डीप स्पेस में भी होगी, लेकिन क्योंकि कुछ एक चीज मिसिंग है इसलिए कंफ्यूजन ये है कि फोटोन मासलेस है लेकिन उसके जैसे जो दूसरे पार्टिकल है उनके पास मास है। अब बात यह आती कि पता कैसे चलेगा। देखो मुझे यह पता चल गया दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है, लेकिन वो कैसी है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। तब दोस्तों ये जो सारी पर्टिकुलर जो थॉट प्रोसेस है इसने ऑलमोस्ट सारे फिजिसिस्ट के जो थिंकिंग माइंड थी की कैपेसिटी थी उसको एकदम ओवरपावर कर लिया और पहल करी गई अमेरिका में और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ, लेकिन कुछ कारणों से वो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में रुक गया और फिर सब ने अपनी नजर घुमाई सर्न की साइड, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने उस अदृश्य उस गॉड पार्टिकल को कैसे ढूंढा, कैसे उसने बताया कि मास आ जाता है जब आप उसे इंटरेक्ट करते हो। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो तुम्हारी इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।